नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगा। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। सन्नाटे में आहट भी शोर लगती है, ये सभी ने सुना होगा। लेकिन मौन को आवाज बनते हुए देखने का मौका रोजाना नहीं मिलता। पर अगर ये दिलचस्प तस्वीर देखने की दिलचस्पी रखते हैं आप, तो नजर घुमाइए और देखिए उत्तराखंड में चल रही राजनीति को, जहाँ कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत विपक्ष पर खामोश रहकर ही बड़ी खामोशी से बात कर रहे हैं। हरीश रावत को अगर कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा माना जा रहा है, तो इसके पीछे वजह है उनके ऐसे अप्रत्याशित दाव, जिनकी गंभीरता विपक्ष को हो चुके नुकसान का हिसाब लगाते समय ही समझ आती है। हरदा का जनता को दावों से साधना साधारण है, वो सब करते हैं। शायद सत्ता की रेस में दौड़ने वाले बाकी प्रतिभागी इसे गंभीरता से ले भी ना, लेकिन जो रणनीति और उसके बोल हरदा की जुबान से नहीं निकल रहे, अगर वो विपक्ष को दिखाई नहीं देते तो अनजाने में कहीं हार खुद दो कदम पास ना आ जाए, कह रहे हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री आजकल मौन की भाषा बोल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे कई मौके आ चुके हैं जहां हरीश रावत ने विरोध का स्वर मौन व्रत रखकर आलापा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब 5 नवंबर को केदारनाथ दौरा तय था, उससे ठीक एक दिन पहले हरदा उनके आगमन पर महंगाई के विरोध में मौन पर बैठ गए। इससे पहले इसी सोमवार को देहरादून से नादेही चीनी मिल पहुंचे और उन्होंने महंगाई के खिलाफ नादेही चीनी मिल गेट पर मौन व्रत रखकर धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अपने दल बल के साथ लखनऊ भी पहुंचे थे। धान की फसल की बिक्री में आ रही समस्याएं, गन्ने का रुका हुआ भुगतान, गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित ना किया जाना, शुगर मिल का समय से ना चलना आदि समस्याओं को लेकर यहां मुख्य द्वार के सामने बैठकर उन्होंने 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वो हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के दौरान भी मौन उपवास पर बैठ गए थे। उन्होंने तो दीपावली पर भी मौन व्रत रखा और कहा कि मेरा ये मौन व्रत उन लोगों को समर्पित है जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई ने उनकी खरीदारी की शक्ति को छीन लिया है। ज्यादा दूर न जाते हुए अगर 3 दिन पहले की बात करूं, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लाल कुआं से काठ गोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही दुर्दशा के खिलाफ कांग्रेसियों के साथ गोरा पड़ाव में मौन उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। खास बात यह भी है, ये तमाम घटनाएं इसी महीने की हैं, यानी 10 दिनों के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री नहीं भी हो तो भी 6 से 7 बार मौन व्रत पर बैठ चुके हैं। और अगर ध्यान दिया जाए तो सबके पीछे मकसद जनहित रहा। महंगाई हो, किसानों के हक की लड़ाई हो या बदहाल सड़कों की समस्या, सभी से हरदा का मौन जनता की आवाज बना। संभावनाएं हैं कि हरीश रावत ये मास्टर प्लान के तहत कर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं के लक्ष्य से जनता को लाभ मिले तो बुराई क्या है? क्या प्रदेशवासी इसे ना अपनाए? हरीश रावत से जब इसके संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसकी चुप्पी बोलने से ज्यादा काम करे उसे बोलने की जरूरत होती ही नहीं है। इसे मौन उपवास भी लोकतंत्र में प्रभावशाली होता है। महात्मा गांधी कई बार इसका प्रयोग करते थे। उस मौन से अंग्रेज भाग गए, मुझे तो मात्र उत्तराखंड से बीजेपी को भगाना है, इतना ही काफी है। हरदा के इन्हीं कदमों का आंकलन विपक्षी दलों के लिए मुश्किल है और इसलिए वो चुनावों में उनके लिए चुनौती है। अंदाजा मुश्किल है, लेकिन वार को भांपना पड़ेगा, नहीं तो कद्दावर नेता हरीश रावत का मौन कांग्रेस के लिए जीत का मंत्र बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।